नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जीएमपुर कोतवाली क्षेत्र के लाडगढ़ बाजार में रौनापार रोड पर दर्जनों की संख्या में किन्नरों ने मिष्ठान व किराना की दुकान में की तोड़फोड़, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी के साथ हंगामा मच गया। दुकान में चाय पीते समय किन्नरों व दुकानदारों से कहा सुनी हो गई, जिसको लेकर किन्नरों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दी और अफरा तफरी मचा दी। आपको बता दें कि लाडघाट बाजार के रौनापार रोड पर शराब की दुकान के सामने स्थित मिष्ठान की दुकान पर चार टेम्पो से दो दर्जन से अधिक की संख्या में किन्नर चाय पी रहे थे, जहाँ चाय के साथ घाटी खाने को लेकर दुकानदार व हिजड़ों के बीच कहा सुनी हुई, जिसमें हिजड़ों ने अपने मनमाने तरीके से दुकानदार की घाटी उसकी अपनी हाथ से निकालने लगे। इस पर दुकानदार द्वारा विरोध करने पर किन्नरों ने दुकानदार की माँ और बेटे को छनोटे से पीटा, जिसमें बेटे के सर पर हल्का सा चोट आया और माँ के पैर में भी चोट लगी है, तो वहीं दुकान में तहस नहस कर दिया। इससे मन नहीं भरा तो जल पान की दुकान पर ईंट पत्थर भी चलाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक काटा, टेबल मेज, बोतल, चीनी सहित दो पेटी डालडा आदि का नुकसान हुआ है। पास में स्थित किराना की दुकान में भी तोड़फोड़ हुई, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग जुड़ गए। दुकानदार की सूचना पर लाडघाट चौकी इंचार्ज जाफर खान पुलिस बल के साथ पहुंच गए और दोनों पक्षों को चौकी लाडघाट लेकर चले गए, जहां हिजड़े ने सोने की चेन छीनने पर दुकानदार को उल्टा सीधा आरोप लगाया। काफी देर पर दोनों पक्षों में कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता हुआ। इस दौरान लाडघाट कस्बा के सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए व घटना को लेकर आपस में चर्चा परिचर्चा करते रहे। वहीं दुकान में तोड़फोड़ की घटना पर लाडघाट कस्बा में हंगामा मचा रहा। इस पूरे प्रकरण में जब एसपी सिटी सैन लाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है व आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ लोग दुकान पर तोड़फोड़ व अभद्रता कर रहे हैं। इस प्रकरण की जांच एसओ जीएनपुर को सौंपी गई है। शीघ्र ही उन लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत की जाएगी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।